हिंदी कॉमिक्स रायगढ़ का किला। यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। ऊंची पहाड़ी पर बना ये किला सागर तट के दक्षिण किनारे पर बसी पुरानी रियासत रायगढ़ का है, जो समय के साथ कौल के हाथों नष्ट हो चुका है, किंतु इसके खंडहर आज भी अपने दुखते सीने में एक रहस्य छिपाए हुए है अपनी बर्बादी का, इस किले के स्वामी राजा जयवर्धन का। इसी रायगढ़ से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है शोमगढ़। लगता है शांत रात्रि में शोमगढ़ सुख की नींद सो रहा है, किंतु मूर्तिकार कुंडू के घर में नींद नहीं थी। आज भी घर में खाने को कुछ नहीं है। 3 दिन से बच्ची भूख से बिलख रही है। बताओ मैं क्या करूं, इसे जहर दे दूं या खुद खाकर चैन की नींद सो जाऊं? मैं क्या करूं रत्ना, बचपन से मैंने राजा महाराजाओं की मूर्तियां बनाना सीखा था। अब राजा नहीं रहे तो काम भी नहीं रहा। क्या अपने इन हाथों को ही तोड़ दूं, जिन्हें पत्थर तराशने के सिवा और कुछ नहीं आता? तुम मर्द होकर ऐसा कह रहे हो, मैं औरत होकर क्या करूं? तुम कुछ भी करो, पर मैं अपनी बच्ची को भूख से बिलख बिलख कर मरते नहीं देख सकती। तुम और कुछ नहीं कर सकते तो अपने इन्हीं हाथों से हम दोनों का गला क्यों नहीं घोट देते? इनकी ये दशा मेरे कारण हुई है। इन्हें मरते देखने से तो अच्छा है मैं ही अपना जीवन समाप्त कर डालूं। हताश कुंडू घर से निकलकर रायगढ़ के किले की ओर चल पड़ा। इतनी रात में कहाँ जा रहे हो कुंडू? तुम्हें मालूम नहीं वहाँ जाकर कोई नहीं लौटता? तुम मेरी चिंता ना करो काका, अपना रास्ता देखो। और कुंडू महल में पहुँचने के लिए अधीर हो उठा। बचाओ बचाओ, राम राम। अंदर किले में पहुँच कर, यही है वो मौत का किला जहाँ से कोई आदमी जिंदा वापस नहीं लौटता। तभी उसे अपनी पत्नी और बच्ची की याद आई। मेरी प्रिय रत्ना और गुंज बेटी, मुझे क्षमा करना, मैं विवश हूँ आत्महत्या के लिए। मेरे मरने के बाद मेरे घर वाले तुम्हें जरूर सुरक्षा देंगे। अचानक आन्या, ये कैसा अद्भुत प्रकाश, ये कैसा मोहक संगीत! उस अद्भुत प्रकाश में कुछ घुड़सवार उभरे। घुड़सवार विश्वास नहीं आता। फिर सामने आए। तुम्हें अभी मरना नहीं है कुंडू, हमारा काम करना है। ये लो परिश्रमिक, तुम्हें राजा जयवर्धन की मूर्ति बनानी है। लेकिन मैंने तो राजा जयवर्धन की शक्ल तक नहीं देखी, फिर मूर्ति कैसे बनाऊंगा? तुम पत्थरों को तराशो, मूर्ति अपने आप बन जाएगी, लेकिन ये बात तुम किसी को बताओगे नहीं, अपनी पत्नी को भी नहीं। कहकर वो घुड़सवार अदृश्य हो गए। कुंडू रुपयों की थैली लेकर अपने घर की ओर लौट पड़ा। घर पहुंचकर, ये लो रत्ना, घर का सब इंतजाम कर लेना। इतना सारा पैसा कहाँ से ले आए? डरो नहीं, कोई चोरी करके नहीं लाया, मुझे काम मिल गया है। उसके बाद कुंडू ने उस घुड़सवार के अनुसार काम शुरू किया। कुंडू रोज सुबह किले में जाता और शाम को घर लौट आता। दिन भर वो मूर्ति बनाने में लगा रहता। अरे ये तो कोई अदृश्य शक्ति मुझे मूर्ति बनाने को प्रेरित कर रही है। यह मूर्ति अपने आप बन रही है, कमाल है। लगातार 1 माह के परिश्रम से उसने मूर्ति पूरी कर ली और अब वो उन्हीं घुड़सवारों की प्रतीक्षा में था। यह मूर्ति उन्हें देकर अपने कर्तव्य भार से मुक्त हो जाऊंगा। तभी, अरे इस मूर्ति की तो आंखें भी हिली, ये तो मुस्कुराई भी, ये कैसा चमत्कार है! और धीरे धीरे राजा जयवर्धन जीता जागता उसके सामने आकर खड़ा हो गया। राजा जयवर्धन? हाँ, मैं इस किले का स्वामी राजा जयवर्धन 100 वर्ष बाद तुम्हारे सामने जीता जागता खड़ा हूँ कुंडू। कुंडू, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। आज्ञा दीजिए महाराज। इसके लिए 100 वर्ष पहले की वह घटना सुनो जिसके कारण आज मुझे आना पड़ा। और वो कहानी सुनाने लगा। आज से 100 वर्ष पहले रायगढ़ के इस किले पर मेरा शासन था। सब कुछ शांति से चल रहा था, अपार धन था। मेरी एक पुत्री थी पद्मावती, जो अत्यंत रूपवती थी। उसके रूप की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। उस समय साइमन एक समुद्री लुटेरा था। उसको भी रायगढ़ के खजाने का अपने किसी खास मुखबिर से पता लग चुका था, इसलिए उसने रायगढ़ के इस किले को लूटने का निश्चय कर लिया और मौके की तलाश में था। तभी एक दिन हमारे दीवान के शवदेव, जो एक ऋषि थे और जिनकी देखरेख में शासन चलता था, उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार बना लिया। जयवर्धन, मैं 10 दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, इसलिए तुमसे आज्ञा लेने आया हूँ। लेकिन दीवान जी, आपके बिना मैं ये राजपाट कैसे चला पाऊंगा? राजन, अगर तुम इसी तरह कमजोर बने रहे तो एक दिन तुम्हारा ये राजपाट भी तुमसे चला जाएगा। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, कब तक अपने बूढ़े कंधों पर मैं इतने बड़े राज्य का बोझ उठा सकूंगा? जब तक आप जिंदा है, मुझे तो यही संतोष है कि
आपके शासन में हमारी प्रजा सुखी व संतुष्ट है। और यह सच भी था कि केशव देव के संचालन में रायगढ़ की प्रजा सुखी व संतुष्ट थी। असंतुष्ट था तो केवल धूर्त मंत्री भैरवनाथ। हर काम में अपनी टांग अड़ाने वाले इस दीवान से पीछा छुड़ाए बिना मेरा काम नहीं बनेगा। कुछ इस तरह इसको राह से हटाना होगा कि महाराज और प्रजा को शक न हो। भैरवनाथ ऐसे ही मौके की तलाश में था, इसलिए तुरंत बोला, महाराज दीवान जी के धार्मिक कार्यों में कोई रुकावट डालना एक पाप होगा। तुम ठीक कहते हो भैरवनाथ, मैं तो यही विनती करता हूँ कि दीवान जी तीर्थ यात्रा से शीघ्र लौटे। जाते समय केशव देव ने राजकुमारी को शुभ आशीर्वाद दिया। तुम्हें वीर और प्रतापी पति प्राप्त हो, यही मेरी शुभकामना है। मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर मेरा षड्यंत्र सफल हो गया तो मैं ही इसका पति बनूंगा। तुम रास्ते से हटो बुद्धे, तो मुझे राजा को अपनी मुट्ठी में करते देर नहीं लगेगी। और दीवान केशव देव तीर्थ यात्रा पर चले गए। बाद में जब भैरवनाथ अपने एक खास सेवक के साथ किले से वापस लौट रहा था, सरकार महाराज का कोई बेटा तो है नहीं, फिर उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? उनका दामाद यानी कि मैं भैरवनाथ ही उनको मारने के बाद राजा बनेगा। वाह, क्या युक्ति सोची है सरकार। जब राजा कमजोर हो तो सोचना ही पड़ता है। भैरवनाथ इसी उधेड़बुन में पड़ा था। मुझे बड़ी होशियारी से काम लेना होगा, कहीं रायगढ़ की प्रजा न भड़क उठे, क्योंकि सेनापति वीरसेन महाराज का बड़ा स्वामी भक्त है। इसके लिए मुझे साइमन से मिलकर उससे मदद लेनी होगी। दीवान केशव देव के चले जाने के कुछ दिन बाद महाराज जयवर्धन किले में पधार रहे हैं। और जब हमारी शाही सवारी किले के अंदर पहुंची, महाराज की जय हो, हमारे अन्नदाता का इस्तकबाल बुलंद हो, एक संदेश है महाराज, राज दरबार में चलकर सुनाओ। हमारे आने के बाद किले के प्रांगण में राज दरबार लग गया। अब बताओ अजीत, क्या संदेश है? गुस्ताखी माफ हो महाराज, वैशाली नगर से एक नर्तकी अमरपाली आई है और आपके राज दरबार में अपने नृत्य पेश करना चाहती है, अगर हजूर की इनायत हो तो। इस समय हमारा मन बहुत विचलित है अजीत, दीवान जी 10 दिन के लिए कह कर गए थे और आज 15 दिन हो गए। मंत्री भैरवनाथ भी अभी तक सुंदरगढ़ से नहीं लौटे, पता नहीं रास्ते में कहां रुक गए। वह सुना है आजकल समुद्री लुटेरे साइमन का गिरोह बीच समुन्दर में अपना बेड़ा डाले पड़ा है। आप चिंता ना करिए महाराज, ईश्वर की कृपा से मंत्री जी सकुशल लौट आएंगे, वह काफी समझदार, योग्य और दूरदर्शी व्यक्ति है। चिंता की ही तो बात है अजीत, उनको आज दोपहर तक हर हालत में यहाँ आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक आए क्यों नहीं? महाराज अगर आज्ञा हो तो एक निवेदन अर्ज करूं। हाँ हाँ कहो रामदेव। महाराज आज हवा उल्टी बह रही है, इसलिए नाम से यहाँ तक पहुँचने में कुछ समय ज्यादा लगेगा, इसी कारण मंत्री जी के आने में विलम्ब हो रहा है। और उसी क्षण अगर महाराज की आज्ञा हो तो। तुम सबकी अगर यही इच्छा है तो हमारी आज्ञा है कि उस नर्तकी को दरबार में पेश किया जाए। और तब राम सिंह तुम अंदर महल में महारानी जी और राजकुमारी को खबर कर दो कि वैशाली की एक नर्तकी अमरपाली आज राज दरबार में अपने नृत्य पेश करेगी, वह सब भी यहाँ आकर देख ले। जो आज्ञा महाराज। थोड़ी देर बाद राज दरबार में नृत्य का आयोजन शुरू हुआ। तभी नृत्य के बीच में सभाचर ने राज दरबार में प्रवेश किया। महाराज की जय हो, एक बुरी खबर है महाराज। बंद करो यह नाच गाना, अब कहो अर्जुन क्या बुरी खबर लाए हो। अभी अभी एक गुप्तचर ने आकर खबर दी है कि समुद्री लुटेरे साइमन का बेड़ा यहाँ से 2 मील दूर उत्तर पश्चिम के समुद्र तट पर आकर रुका है। इस खबर से मैं बुरी तरह घबरा गया। क्या कहा, समुद्री डाकू साइमन का बेड़ा यहाँ आकर रुका है, फिर तो जरूर कोई खतरे की बात है। तभी मुझे नर्तकी का ध्यान आया। हमें माफ करना नर्तकी, हम इस वक्त अपनी उलझन में है, इसलिए अब तुम्हारा हम नृत्य नहीं देख पाएंगे, अब तुम जाकर आराम करो। कोई बात नहीं हजूर, फिर कभी सही। मैं मौके की नजाकत को समझ रही हूँ, लेकिन मेरी एक इल्तजा है महाराज। हाँ हाँ बोलो, तुम हमारी मेहमान हो, इसलिए जो कहना हो निसंकोच कहो, हमसे जो बन पड़ेगा हम तुम्हारे लिए करेंगे। महाराज मेरा इस वक्त किले से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मेरी हजूर से विनती है कि खतरे के निकल जाने तक अगर आप मुझे अपने राजमहल में पनाह दे दे तो बड़ी कृपा होगी। तुम हमारी मेहमान हो नर्तकी, तुम्हारी हिफाजत करना हमारा फर्ज है, इसलिए जब तक खतरा पूरी तरह टल ना जाए राजमहल में जाकर रह सकती हो।
शुक्रिया महाराज। मैंने एक सेवक को पास बुलाया। सेवक, नर्तकी अमरपाली को हमारे राजमहल में पहुंचा दो। जो आज्ञा महाराज। चलिए अमरपाली जी। सेवक उस नर्तकी को राजमहल ले गया। नर्तकी के चले जाने के बाद, अजीत तुम फौरन नाव लेकर जाओ और पता करो कि साइमन का बेड़ा कहाँ रुका हुआ है और किस इरादे से यहाँ आया है। जो आज्ञा महाराज। अजीत वहां से चल पड़ा। अजीत, इस बात का पता करके जल्दी लौटना। आप चिंता ना करें महाराज, मैं गया और आया। अजीत के चले जाने के बाद मैंने रामदेव को बुलाया। रामदेव, अब तुम ही इस रायगढ़ की रक्षा का कोई उपाय करो। दीवान जी भी तीर्थ यात्रा से नहीं लौटे और मंत्री जी भी यहाँ पर नहीं है। महाराज, मेरे विचार से तो इस किले की समस्त महिलाओं, बच्चों और अशक्त पुरुषों को यहाँ से कहीं दूर भेज दिया जाए। मगर कहाँ भेज दे रामदेव। महाराज, इस किले के पीछे के चोर दरवाजे से उन्हें शोमगढ़ के जंगलों की तरफ भेज दिया जाए, यही एक बेहतर उपाय है। ठीक है रामदेव, तुम उन सबको भेजने का प्रबंध करो, मैं अंदर राजमहल में जाकर सबको खबर देता हूँ। उधर अजीत नौक में सवार हो समुद्री लुटेरे साइमन की खबर लेने के लिए निकल पड़ा। नाव जरा और तेज चलाओ वीर, हमें वापस भी लौटना है। मैं अभी पहुंचा देता हूं सरकार, 20 मिनट का तो रास्ता है। 2 मील का लंबा सफर तय करके नाव जब बेड़े के निकट पहुंची, वह देखिए सरकार, समुद्री लुटेरों का जहाजी बेड़ा। देख रहा हूं, पर उस बेड़े के पास नाव किसकी खड़ी है वीरू। और उस नाव पर नजर पड़ते ही वीर एकाएक चौंक पड़ा। अरे ये तो अपने मंत्री भैरवनाथ जी की नाव है। लेकिन मंत्री जी की नाव साइमन के बेड़े के पास क्यों खड़ी है? क्या मंत्री जी को साइमन ने कैद कर लिया या फिर? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है सरकार। चलो देखते हैं इस नाव का यहाँ पर होने का क्या राज है। थोड़ी देर बाद, तुम नाव को यही एक किनारे लगाकर छिप जाओ, मैं पानी के अंदर ही अंदर पता लगा कर आता हूँ। जी सरकार। और अगले ही क्षण, दुश्मन के बेड़े में जा रहे हैं, जरा चौकन्ने रहिएगा सरकार। अजीत पानी में तैरता हुआ उस बेड़े के निकट पहुंच गया और फिर जहाज का रस्सा पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। और जैसे ही वह जहाज के ऊपर पहुंचा तो भैरवनाथ को साइमन के पास बैठा देखकर चौंक पड़ा। आन्याय भैरवनाथ, समुन्दरी लुटेरे साइमन के बेड़े में जरूर कोई साजिश कर रहा है, चलो और उनकी बातें सुनो। दोनों कौन सा गुल खिलाने का षड्यंत्र रच रहे हैं? यही सोचकर अजीत लोगों की नजरों से छिपता हुआ उनके पास छिपकर खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने लगा। ठीक है भैरवनाथ, मुझे तुम्हारी सब शर्तें मंजूर है। तुम्हें पद्मावती और रायगढ़ का किला मिल जाएगा। किले से लूटे हुए खजाने में से भी आधा तुम्हें दे दूंगा। तो फिर समझो विजय तुम्हारी है। वह मूर्ख और कमजोर पुरुष उस किले का राजा बनने के काबिल नहीं था। अच्छा मैं अब चलता हूँ, मेरे चले जाने के कुछ देर बाद अपने साथियों के साथ किले की ओर कूच कर देना, ठीक वक्त पर पहुंच जाओगे। और तभी भैरवनाथ की नजर पाल पर उभरी परछाई पर पड़ गई। अरे पाल पर किसकी परछाई पड़ रही है? कौन छिपा खड़ा है उसकी ओट में साइमन? शायद कोई जासूस मालूम पड़ता है, मैं अभी देखता हूँ। साइमन उस परछाई को देखकर बाहर आया। कौन है पाल की ओट में? बाहर निकल आओ वरना गोली मार दूंगा। बाप रे बाप, इस चांदाल ने तो मुझे देख लिया, अब अगर पकड़ा गया तो मारा जाऊंगा, इसलिए मुझे सीधे यहाँ से पानी में छलांग लगानी होगी। मैं बच गया तो रायगढ़ भी बच जाएगा वरना। यही सोचकर अजीत ने जैसे ही समुंदर में छलांग लगाई कि तभी साइमन ने फायर कर दिया, जो सीधी गोली अजीत की पीठ में जाकर लगी। अजीत के पानी में गिरते ही, मुझे डर है कहीं वो बच न गया हो साइमन। वह जिंदा नहीं बच सकता भैरवनाथ, गोली उसकी पीठ में लगी है। खैर मैं चलता हूँ, तुम फौरन यहाँ से कूच करने की तैयारी करो। साइमन भैरवनाथ को उसकी नौक तक छोड़कर वापस लौट गया। उधर किले के अंदर, महाराज, समुद्री लुटेरों का गिरोह किले की ओर कूच कर चुका है। उनकी नौकाएं तेजी से इधर की ओर बढ़ी आ रही हैं और कुछ ही घंटों में वो लुटेरे किले पर हमला करने वाले हैं। वो लुटेरे विदेशी हथियारों से लैस हैं महाराज, जल्दी से सुरक्षा का कोई उपाय कीजिए। अब हम क्या करें रामदेव, दीवान जी भी अभी यात्रा से नहीं लौटे, अजीत भी कोई खबर लेकर नहीं आया, मंत्री भैरवनाथ का भी कोई पता नहीं है। आज इस रायगढ़ के लोगों पर न जाने क्या मुसीबत आने वाली है, अब तुम ही कुछ उपाय करो रामदेव। मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? तुम जाओ और उन डाकुओं पर कड़ी नजर रखो। जो आज्ञा महाराज। सभाचर खबर देकर चला गया और उसके जाने के बाद अब क्या करें रामदेव।
दीवान जी को क्या हो गया? वह अभी तक यात्रा से क्यों नहीं लौटे? आप घबराएं नहीं, वह भी आ जाएंगे, लेकिन इस वक्त तो हमें कोई सुरक्षा का कदम उठाना चाहिए। तो फिर उठाओ ना रामदेव, हमारी बुद्धि तो जवाब दे चुकी है, अब तुम ही कोई उपाय करो ताकि यह किला डाकुओं की लूट से बच जाए। इतना घबराने से काम नहीं चलेगा महाराज, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। उधर अजीत की नौक समुन्दर की लहरों पर तेजी से दौड़ रही थी। वीर जल्दी कर, मैं मरने से पहले किले में पहुंच जाना चाहता हूं। इधर समुन्दर की लहरों पर लुटेरों की किश्तियां भी तेजी से दौड़ रही थी। नाव और तेजी से चलाओ मेरे जवानों, हमें रात ही रात में रायगढ़ का किला फतह कर लेना है। तुम चिंता न करो सरदार, रायगढ़ का किला अब थोड़ी ही दूर रह गया है। वो देखो सरदार, रायगढ़ का किला दिखलाई पड़ रहा है। हा हा हा, अब तो किला भी मेरा होगा और किले के खजाने के साथ साथ राजकुमारी पद्मावती भी मेरे कब्जे में होगी, और वह मूर्ख शैतान रायगढ़ का राजा बनने का सपना देख रहा है गद्दार कहीं का। फिर उस मूर्ख मंत्री का आप क्या करेंगे सरदार? हम उस पागल को गोली मार देंगे जॉन, गद्दारी की सजा हमेशा मौत होती है। फिर तो वह मूर्ख मंत्री भैरवनाथ अपनी बेवकूफी से बेमौत मारा जाएगा बेचारा, हा हा हा। इधर रायगढ़ के किले में, महाराज महाराज, आशिष्टता क्षमा करें महाराज, दीवान जी आ गए हैं, उनकी नाव घाट पर लग चुकी है। यह एक शुभ संदेश दिया है तुमने, तुम जाओ और उन्हें जल्दी से यहाँ ले आओ। चलो एक चिंता तो खत्म हुई, अब जरूर कोई न कोई उपाय निकल आएगा। जी महाराज, दीवान जी बुद्धिमान दूरदर्शी और साहसी पुरुष हैं। तभी दीवान केशवदेव ने किले में प्रवेश किया। आपने तीर्थ यात्रा से लौटने में बड़ी देर कर दी दीवान जी। क्या बात है राजन, तुम इतना परेशान क्यों हो? आपको शायद नहीं मालूम दीवान जी की, समुद्री लुटेरा साइमन अपने गिरोह के साथ किले को लूटने आ रहा है। ओहे, रास्ते में समुद्री लुटेरों की नावों को देखकर मुझे भी शंका हुई थी, इसीलिए मैं दूसरे रास्ते से होकर आया हूँ। आप सकुशल लौट आए, यही हमारे लिए बहुत है। अब आप जल्दी से इस किले की सुरक्षा का कोई प्रबंध कीजिए, लुटेरे किसी समय भी यहाँ आकर हमला कर सकते हैं। उसी समय मंत्री भैरवनाथ भी वहाँ आ पहुँचा। महाराज की जय हो। इतनी देर तुमने कहाँ लगा दी भैरवनाथ, हमें यहाँ बहुत चिंता हो रही थी। महाराज, रास्ते में समुद्री लुटेरों की नावों को देखकर मुझे अपना रास्ता बदल देना पड़ा, इसलिए यहाँ पहुँचने में देर हो गई। तभी दीवान केशव देव को एक उपाय सूझा। राजन, मेरे दिमाग में एक उपाय सूझा है, क्यों न हम तुम्हारे महल के गुप्त तहखाने में किले के तमाम स्त्री बच्चों और अशक्त पुरुषों को उसमें छिपाकर ऊपर से ताला बंद कर दे, चाबी मैं अपने पास रख कर किसी सुरक्षित स्थान को चला जाता हूँ, खतरा जब टल जाएगा तो आकर सबको बाहर निकाल दूंगा। ठीक है दीवान जी, यह उपाय भी सरल है, उसी तहखाने में हमारा सारा खजाना भी छुपा देना। तो फिर मैं चलूं किले के औरतों बच्चों और अशक्त पुरुषों को उस तहखाने में छुपाकर ताला लगा आता हूँ। उसी समय लहूलुहान अजीत वहाँ आया। महाराज, इस किले को बर्बाद होने से बचा लीजिए महाराज। कौन अजीत, तुम्हारी ये दशा किसने की? कैसे कहूँ अन्नदाता, निर्भय होकर कहो, ये जयवर्धन का दरबार है। महाराज, आप अपने इस दुष्ट मंत्री भैरवनाथ से सावधान रहे, ये समुद्री लुटेरे साइमन से मिलकर आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। आर महाराज अजीत। उसी क्षण एक सभाचर दौड़ा आया। महाराज जल्दी से भागिए, यहाँ से समुद्री डाकुओं की नावें घाट पर पहुँचने ही वाली है। सेनापति वीरसेन, तुम अपने सैनिकों को किले के चारों ओर तैनात कर दो, साथ ही इस दुष्ट मंत्री भैरवनाथ को बंदी बना लो। जो आज्ञा महाराज। और तब? सैनिकों, इस गद्दार को बंदी बना लो। जो आज्ञा सेनापति। और सैनिक भैरवनाथ को बंदी बनाकर ले गए। उसके बाद, द्वारपाल, तुम जल्दी से किले के दोनों फाटक अंदर से बंद कर दो। जो आज्ञा महाराज। अगले ही क्षण किले के दोनों फाटक बंद कर दिए गए। उधर दीवान केशव देव किले के तमाम स्त्री बच्चे और अधेड़ पुरुषों को तहखाने में छुपाने के लिए राजमहल में ले गए। चलो जल्दी करो दीवान जी, महाराज का ध्यान रखना। और तहखाने पर पहुँच कर, तुम महाराज की चिंता ना करो बेटी, वो हमारी हिफाजत में रहेंगे। सबको तहखाने में बंद कर दीवान जी ने उसमें ताला लगा दिया और चाबी अपनी जेब में रख ली। तभी महाराज किले के दोनों द्वार अंदर से बंद कर दिए गए हैं। ठीक है महाराज, किले के ऊपर सुरक्षा प्रहरियों को तैनात कर दिया गया है, अब खतरे की बात नहीं है। अच्छा किया सेनापति और वह गद्दार।
उसको बंदी गृह में कैद कर दिया गया है महाराज। सेनापति जी, समुद्री लुटेरों से इस किले की सुरक्षा का भार अब तुम्हारे ऊपर है। आप किसी बात की चिंता ना करें महाराज, इस किले की सुरक्षा के लिए मैं अपने प्राणों की बाजी भी लगा दूंगा। हमें तुमसे ऐसी ही उम्मीद है। उसी क्षण दीवान केशवदेव भी वहां आ पहुंचे। राजन, मैंने किले के सब लोगों को तहखाने में छिपा दिया है और आपका खजाना भी, अब डर की कोई बात नहीं है। यह आपने अच्छा किया दीवान जी, चलिए हम लोग भी ऊपर चलकर बाहर के हालात देखते हैं। तुम सब लोग ऊपर जाओ राजन, मैं किले में नीचे ही कहीं छुपकर अंदर के हालात मालूम करता रहूंगा। दीवान जी ठीक कहते हैं महाराज। और तब राजा जयवर्धन और सेनापति वीरसेन किले के ऊपर चढ़ गए और दीवान केशव देव राजमहल की ओर चल पड़े। उधर वैशाली की नर्तकी अमरपाली लोगों की नजर से छिपती हुई बंदी गृह के द्वार पर जा पहुंची। नए महाराज की जय हो। कौन नटनी अच्छे मौके पर आई, वरना मेरा राजा बनने का सपना ही अधूरा रह जाता। उसने बंदी गृह का द्वार खोलकर भैरवनाथ को कैद से आजाद कर दिया। अगर आपका सपना अधूरा रह जाता तो मेरा सपना कैसे पूरा होता रानी बनने का? अब मेरे लिए क्या आ गया है महाराज? तुम्हारा सबसे पहला काम यही है कि तुम मौका मिलते ही किले का दरवाजा खोल देना और सुरक्षित बाहर निकल जाना, बाकी सब मैं देख लूंगा। जाओ। जो आज्ञा महाराज। इधर समुद्री लुटेरों की नौकाएं घाट से आ लगी। हाँ हाँ हाँ, इसी रायगढ़ के किले को लूटने का मैंने एक बार सपना देखा था। आपका वह सपना आज सच हो गया सरदार। फिर किले के दरवाजे पर पहुंचकर, सरदार इस पर तो लोहे का फाटक चढ़ा है, कैसे टूटेगा? नहीं टूटेगा तो बारूद के गोले से उड़ा दो, खील पिताशे की तरह बिखर जाएगा। ऊपर जब सुरक्षा प्रहरियों ने देखा, महाराज डाकू किले के फाटक पर खड़े हैं, मौका अच्छा है उन पर हमला करने का। तो फिर इंतजार किस बात का है सैनिकों, भून डालो उन डाकुओं को गोलियों से। और तब सैनिकों ने चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू कर दी। आया मर गया सरदार। यह क्या हो रहा है सरदार, इस तरह तो हम सब मारे जाएंगे। उस भैरवनाथ को क्या हो गया? उस नटनी को तो अब तक दरवाजा खोल देना चाहिए था, अगर नहीं खोलते तो पूरा दरवाजा बारूद से उड़ा दो जॉन। अभी उड़ा देता हूँ सरदार। उधर किले के अंदर, इस वक्त मौका अच्छा है नटनी, पीछे वाले दरवाजे पर कोई द्वारपाल नहीं है, तुम चुपके से किले का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाओ, मैं ऊपर जाकर महाराज से निपटता हूँ। जो आज्ञा महाराज। तभी उन दोनों पर दीवान जी की नजर पड़ गई। आया ये कौन नर्तकी है जो किले के अंदर अकेली घूम रही है, ये तहखाने से बाहर कैसे रह गई? अरे ये तो भैरवनाथ है, यह इस नर्तकी को कैसे जानता है? मुझे तो मामला कुछ गड़बड़ लगता है, हो ना हो यह नटनी इन समुद्री लुटेरों से मिली हुई है, तो क्या भैरवनाथ भी उन लुटेरों से मिले हुए हैं? अरे ये तो किले के पिछले द्वार की ओर जा रही है, मुझे कुछ करना चाहिए। ये सोचकर दीवान केशव देव छिपकर उनकी बातें सुनने लगे और मौका देखकर, ए नटनी कौन है तू और उधर कहाँ जा रही है? दीवान जी मैं ये बकरी की तरह मिमिया क्यों रही है, सीधी तरह क्यों नहीं कहती कि तू उन समुद्री लुटेरों की जासूस है? और जैसे ही वो नर्तकी भागने को हुई तभी, भागती कहाँ है नटनी, अपनी वफादारी का अपना यह इनाम तो लेती जा। कहने के साथ ही दीवान केशव देव ने अपनी तलवार उसके पेट में घुसा दी। तलवार के पेट में घुसते ही वह एक जोर की चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ी और मर गई। मंत्री जी आया मार डाला मुझे। क्या हुआ अमरपाली? नर्तकी की चीख सुनकर भैरवनाथ दौड़ा आया। अरे इसको किसने मार डाला? मैंने। ये तुमने क्या किया दीवान जी? वही जो एक देशभक्त को करना चाहिए। तो फिर ये लीजिए आप अपनी देशभक्ति का पुरस्कार। आया महाराज धोखा। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और पिछला दरवाजा टूटकर अलग जा पड़ा। आप यहाँ से भाग जाइए महाराज, डाकुओं ने किले का दरवाजा बारूद के गोले से उड़ा दिया है। हाँ महाराज आप यहाँ से भाग जाइए, इन लुटेरों के दिल में दया नहीं होती, पत्थर दिल होते हैं ये लोग। नहीं सेनापति, हम काया नहीं हैं, हम तुम सबको मौत के मुंह में धकेल कर अपनी जान नहीं बचाएंगे, हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। उसी क्षण डाकुओं की एक गोली सेनापति वीरसेन के सीने में आकर लगी और वह आया मार डाला। तुम सब लोग भाग जाओ, सैनी को मर महा रा ज सेनापति। तभी कुछ आहट हुई। कौन है? छाया जब पहचान में आई, तुम नमक हराम गद्दार, तुम कारागार से कैसे निकले?
तभी पीछे से मुझ पर प्राण घातक हमला हुआ और उसने मुझे मारकर किले से नीचे फेंक दिया। मुझको नीचे गिरता देख एक सैनिक दौड़ता हुआ उस दुष्ट मंत्री भैरवनाथ के पास पहुंचा। गजब हो गया मंत्री जी, महाराज को किसी ने मार डाला। अरे मूर्ख, मेरे सिवाय उन्हें कौन मार सकता था? मंत्री जी। अरे मूर्ख, अब हम मंत्री नहीं यहाँ के राजा हैं और तुम सब हमारे गुलाम हो। हा हा हा। ओए, तो ये सारा कांड आपका रचाया हुआ था? राजा बनने की लालसा में आपने कितने लोगों की नरबलि दे डाली। अधर्मी धोखेबाज, मैं तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। नहीं सैनिक, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं यहाँ का नया महाराज हूँ। जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो, मैं तुम्हें अपना सेनापति बना लूंगा। आया, तुमने मुझे मार डाला सैनिक। फिर किले का सदर दरवाजा टूटते ही सारे किले में कोहराम मच गया। आया मर गया, आया मार डाला। थोड़ी ही देर में किले के अंदर लाशों का अंबार लग गया। हा हा हा, मर गए साले, सबके सब मर गए, लेकिन किले का खजाना फिर भी नहीं मिला। ना जाने कहां छुपा दिया इन उल्लू के ठठेरों ने। जाओ तलाश करो उसको। अब और कहां तलाश करें सरदार, किले का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन खजाने का कहीं पता नहीं है। किंतु मैं मर कर भी जिंदा था प्रेत बनकर। तो फिर उसे क्या धरती खा गई या आसमान निगल गया? उसे अच्छी तरह तलाश करो, होगा तो इस किले के अंदर ही। थोड़ी देर बाद। सरदार, यहाँ कोई खजाना नहीं है। किले में खजाना नहीं है तो फिर कहाँ गया? मैं अभी ढूंढ कर लाता हूँ। साइमन अभी थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि तभी हा 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 हा, आ ये कौन हंसा, कौन जिंदा बच गया इस किले में? इस किले में जरूर कोई जिंदा बच गया है और खजाना उसी के पास है, पर वो छुपा कहाँ है, सामने क्यों नहीं आता? मैं तो तेरे सामने ही खड़ा हूँ मूर्ख, पर तू मुझे नहीं देख सकता। तुझे खजाना चाहिए ना, तो ये ले खजाना। आया मार डाला इसने मुझे। और तब मैंने अपनी तलवार के एक ही वार से उसकी गर्दन उड़ा दी। और जब साइमन के सिर कटे धड़ को डाकू ने दौड़ते देखा, भूत भागो, बचाओ, भूत, ठहरो, भागते कहाँ हो, मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उन सबको भी मैंने खत्म कर दिया। पूरी कहानी सुनने के बाद अब मुझसे क्या चाहते हैं महाराज? इस किले का पुनः निर्माण और उन लोगों की आत्माओं की मुक्ति जो 100 वर्ष से उस तहखाने में बंद है। लेकिन उस तहखाने का मुझे कुछ पता नहीं महाराज, कहाँ है वह तहखाना? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, वह तहखाना, उसी में मेरा सारा खजाना है जिससे तुम इस किले का निर्माण कराना। राजा जयवर्धन कुंडू को उस तहखाने पर ले गया। यही है वह तहखाना जहाँ पर सबकी आत्माएं वर्षों से कैद पड़ी है। तुम ये पत्थर हटाकर इसका मुंह खोलो। और जब कुंडू ने तहखाने का पत्थर हटाया तो एकाएक डर कर चीख पड़ा, भूत। डरो नहीं कुंडू, ये भूत नहीं, उन सब लोगों के नरकंकाल हैं, जो सूख कर सिर्फ हड्डियों का सूखा ढांचा रह गए हैं। इसमें एक मेरी बेटी भी है। वह देखो कुंडू, वह मेरी बेटी पद्मा का नरकंकाल है जिसके हाथ में खजाने का डिब्बा लगा है। बाकी खजाना संदूक में बंद है, जाओ निकाल लाओ। जैसी आपकी आज्ञा। कहकर कुंडू उस तहखाने में घुस गया और किले का सारा खजाना बाहर निकाल लाया। बाप रे बाप, इतना ढेर सारा खजाना। सब तुम्हारा है, तुम जैसे चाहो इस किले का निर्माण करो, मेरा काम खत्म हुआ, मैं जा रहा हूँ। और फिर देखते देखते राजा जयवर्धन की मानवीय आकृति मूर्ति में बदल गई। कुंडू ने जयवर्धन की इच्छा अनुसार रायगढ़ के किले का फिर निर्माण करा दिया जैसे 100 वर्ष पहले था। किंतु कुंडू वैसा नहीं रहा, वह रायगढ़ की रियासत का सबसे अमीर आदमी बन गया और उस किले का संरक्षक।